नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं मैं अपना YouTube चैनल पर। तो जैसे कि पहले मैंने LED TV का जो मदरबोर्ड रहता है उसका वोल्टेज के बारे में बताया हुआ है, तो आज मैं इसका पैनल कैसे काम करता है, पैनल में वोल्टेज कैसे जनरेट होते हैं, कौन सा IC पर पहले वो वोल्टेज आएगा, उसके बाद कैसे पैनल का वोल्टेज का सीक्वेंस है, सारा कुछ मैं इसमें डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश किया हूँ। क्योंकि मैं देखा हूँ कि पैनल में ही ज़्यादा परेशानी आती है नए टेक्नीशियन लोगों को, इसके वोल्टेजों के बारे में कौन सा वोल्टेज पहले जनरेट होगा, कैसे जनरेट होता है, तो इसको जानने के लिए हम लोग चलिए। पहले तो मैं जैसे कि यहाँ पर LVDS कनेक्टर है, जो LVDS यहाँ आप मदरबोर्ड से आकर यहाँ पर कनेक्ट होगा, वहीं से हमको एक ग्राउंड किया गया रहता है और एक 12 वोल्ट, मान लीजिए 12 वोल्ट का पैनल है, तो 12 वोल्ट हमको फ्यूज के माध्यम से DC to DC IC में इन होगा। और फ्रेंड्स उसके बाद और मेरा एक रिक्वेस्ट भी है फ्रेंड्स कि आप लोग चैनल को, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं मेरे इसे जानकारी मैं देता रहता हूँ, सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सबको पता चले कि सारे कुछ सीखने को भी उन लोगों को मौका मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि 12 वोल्ट DC to DC IC में इनपुट हुआ तो हमको पहला वोल्टेज यहाँ से 3.3 वोल्ट VDD सप्लाई यहाँ से निकलेगा। DC to DC IC जब पहले ही जब ये 12 वोल्ट इनपुट होगा उसके बाद DC 3.3 वोल्ट हमको ज़रूर मिलेगा, वो वोल्टेज सीधा हमको जो TCON IC रहता है इस TCON IC पर आएगा। देखिए यहाँ से इसे आया और ये TCON IC एक्टिव होने के साथ जब ये आएगा तो यहाँ से एक एनेबल वोल्टेज निकलेगा जो DC to DC IC में इनपुट होगा। कितना तक 3.3 वोल्ट आया यहाँ से इनेबल निकला TCON IC से, तब जाके ये IC पूरा टोटल वर्क में आ जाएगी, उससे पहले ये सारे वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। जब इतना वोल्टेज इसमें से निकलेगा तब जाके यहाँ से देखिए DVDD 3 वोल्ट 3.3 वोल्ट और VGL जो VGH माइनस 6 वोल्ट रहता है, VGH माइनस 27 वोल्ट और HAVDD का हाफ होता है 8 वोल्ट के आसपास, और ये जो AVDD है 15 वोल्ट, इतना सारे वोल्टेज जनरेट होंगे। जब तक इसको एनेबल नहीं मिलेगा ये सारे वोल्टेज नहीं बनेगा। तो देखिए ये टाइमिंग कंट्रोल जो IC है इसको भी चलने के लिए, क्योंकि एक प्रोसेस ये तो माइक्रो प्रोसेसर IC है, इसको चलने के लिए कुछ ज़रूरी वोल्टेजों को ज़रूरी पड़ता है, जो कि इसका, क्योंकि कोई भी प्रोसेसर चलने के लिए उसको कोर वोल्टेज और प्रोसेसर में ज़रूर कोई ना कोई रैम लगा रहता है, तो इसका रैम सप्लाई इतना इसको देना ज़रूरी है। तो देखिए 3.3 वोल्ट से इसके लिए, देखिए 3.3 वोल्ट से एक अलग से रेगुलेटर लगाया हुआ है और वहाँ वो रेगुलेटर से इसको 1.2 वोल्ट कोर सप्लाई यहाँ पर मिल गया, इस कोर सप्लाई मिल गया और वही 3.3 वोल्ट से फिर एक रेगुलेटर लगाकर इसका रैम सप्लाई भी दिया गया है। ये दोनों सप्लाई मिलना इसका ज़रूरी है, 3.3 वोल्ट मिलने के बाद भी वो तो इसका VCC हो गया और ये दोनों सप्लाई कोर और रैम सप्लाई, अब निर्भर करता है कि इसका रैम कितना है, जितना जिस प्रकार से रैम रहेगा उसी प्रकार से इसका वोल्टेज रहेगा, 1.2, 1.8, 2.2 ऐसा कुछ वोल्टेज वो हमको चेक करने से पता चलेगा। और एक सप्लाई है जो इसको फ्लैश IC रहता है, क्योंकि कोई भी माइक्रो प्रोसेसर के फ्लैश IC जरूर रहता है, तो इसमें EEPROM IC हम लोग बोलते हैं जो यहाँ पर लगा हुआ है, इसको भी सप्लाई 3.3 वोल्ट मिला, तब यहाँ से SCL और SDA इसमें से कम्युनिकेट होगा, जो डाटा रहेगा वो डाटा इसका चलेगा। तो ये
इतना सारा हमको जानना चाहिए। इसमें से कोई भी वोल्टेज मिसिंग होगा तो एक आईसी काम नहीं करेगी। तो ये तो हो गया टाइमिंग कंट्रोल आईसी। और इसमें देखिए ये सारे सिग्नल इसमें जैसे 0-0+, 1-1+, 2-2+, CLK+, CLK- और उसके बाद 3-3+। ये सारे सिग्नल LVDS सिग्नल जो है ये हमको इसमें इनपुट होगा टाइमिंग कंट्रोल आईसी में, जो LVDS के माध्यम से जो यहाँ पर है कनेक्टर से यहाँ पर टाइमिंग कंट्रोल आईसी तक आएगी। उसके बाद यहाँ से ये जो पैनल के लिए जो जाएगा सोर्स कॉप के द्वारा, वो देखिए 0-0+, 1-1+, 2-2+, क्लॉक-क्लॉक+ और 3-3+। अभी जो 0-0+ और 1-1+, 2-2+, ये सारे ये RGB कलर हैं, जो रेड ग्रीन ब्लू होता है वो कलरों के लिए ये तीनों है। और 2-2+ जो है ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को तैयार करता है। अगर ये मिसिंग हो जाए तो आपको नो डिस्प्ले का सिम्टम आएगा। और एक क्लॉक के लिए है CLK क्लॉक-क्लॉक+ और 3-3+, इतना तो बनेगा। इसके बाद आपका तो इतना तो वोल्टेज बनने के बाद यहाँ हमको ग्राउंड भी देना पड़ेगा। इसका भी ग्राउंड और इसका भी ग्राउंड हमको देना ज़रूरी है। DC IC को भी ग्राउंड देना मैं के बारे में भूल गया। इसका ग्राउंड और इसका ग्राउंड भी रहेगा। उसके बाद देखिए वही टाइमिंग कंट्रोल आईसी से एक इतना सारा सिग्नल निकला, STV, CPV1, CPV2 और एनेबल। ये स्कैन ड्राइवर या लेवल शिफ्टर आईसी है, वो भी इस कलर PCB में रहता है। किसी किसी में रहता है टिकन बोर्ड में, किसी किसी में भी आईसी के DC IC के अंदर ही ये सब इनबोल्ड रहता है। तो इसको सप्लाई 3.3 वोल्ट पहला VCC सप्लाई हमको चाहिए जो यहाँ इन होगा। और इसमें VGL और VGH भी इन होता है जो ऑड इवन के लिए बनता है। इसके बारे में डिटेल में मैं कभी बताऊंगा। पहले भी वीडियो में आप लोग देख सकते हैं ऑड और इवन के बारे में मैं वीडियो बनाया हूँ। STVP यहाँ से निकलेगा जो सिग्नल, वही जो STV था वो STVP और CKB1 होकर CKBB1, CKB2 और CKBB2। ये सारे गेट लाइन है, जो पैनल रहता है, पैनल का साइड कप जो रहता है वहाँ तक ये सारे सिग्नल जाते हैं। इसको हम DOC से ही चेक कर सकते हैं, ऐसे मल्टीमीटर से इसको पता नहीं चलेगा। इतना तो हो गया टाइमिंग टिकन आईसी का सिस्टम। और एक रहता है जो गामा आईसी, वो हमको सोर्स कप से सीधा पैनल तक जाता है। ये इतना सारा एक लेवल शिफ्टर जो था ये सारे गेट कप में साइड कप में जाता है और सोर्स कप से पैनल तक जाता है। जैसे कि गामा आईसी, इसका काम है पिक्चर को सही करना। तो इसको चलने के लिए हमको ABDD वोल्टेज इसमें इन करना है। इसका ABDD वोल्टेज मिलना ज़रूरी है इस आईसी का। जब ABDD मिलेगा तो और एक यहाँ पर V रेफरेंस यहीं से वोल्टेज ले लिया गया है 15 वोल्ट, और वोल्टेज डिवाइडर की तरह यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा कर घटते क्रम या बढ़ते क्रम से वोल्टेजों को भाग कर लिया गया है। मैं गामा सेक्शन का वीडियो मेरे चैनल पर है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ये ऐसे वोल्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा कर वोल्टेजों को कम से ज़्यादा किया गया है, और वहाँ से निकला हुआ जो सिग्नल्स है सीधा पैनल पर जाएगा। और एक सप्लाई VCOM सप्लाई भी यहीं से बनता है जो 5 वोल्ट के आसपास रहता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बताया, आप लोग अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं कोई सवाल हो तो। और वीडियो को फिर से आप लोग अगेन देखिए तो ज़रूर मैं आशा करता हूँ कुछ ना कुछ आप लोग को समझ में आएगा। अभी इसको चेक, पहले तो हमको देखना है कि इसमें 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है कि नहीं। चेक करने का तरीका है ये फ्यूज़ के आस, आप देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट हुआ। फ्यूज़ अगर सही है तो यहाँ तक 3.3 वोल्ट हमको ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पर वो वोल्टेज गया है कि नहीं, और DC to DC IC को एनेबल मिला है कि नहीं। किसी DC to DC IC में एनेबल यहीं से लेकर रेजिस्टेंस लगाकर यहीं पर एनेबल दे दिया जाता है। ऐसा भी रहता है डायरेक्ट टिकन से वो एनेबल सिग्नल नहीं आता है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है।
और कहीं कहीं स्क्रीन ड्राइवर कंट्रोल जो टाइमिंग कंट्रोल आई सी है इसका अंदर ही रहता है, ये सब सारे सिस्टम है। और फ्रेंड्स अरे जो गामा आई सी है अगर इसमें SCL SDA है तो ये प्रोग्रामेबल गामा आई सी है जो प्रोग्राम किया जा सकता है। अगर SCL SDA इसमें नहीं है तो ये नॉन प्रोग्रामेबल गामा आई सी है, इसको आप लोग ख्याल कीजिए। और फ्रेंड्स अगर पैनल में कोई वोल्टेज मान लीजिए स्केलर बोर्ड में या टीकॉन बोर्ड में वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है, आप लोग चेक किया VDD VGL VGH तो हमको मल्टीमीटर का एक प्रॉब जो ये जो AVDD का पॉइंट है यहाँ पर हम लोग टास्क करके रखेंगे और एक पॉइंट ग्राउंड करके और TV सेट को ऑन करेंगे। ऑन करने के साथ साथ कुछ वोल्टेज अगर जनरेट होकर तुरंत वोल्टेज चला गया तो मान लीजिए कि ऐसा DC to DC IC हमारा ओके है, सारा कुछ ओके है, पैनल के अंदर कोई शॉर्टिंग है, वैसा भी देखा जा सकता है। क्योंकि इसका प्रैक्टिकल वीडियो में कभी भी मेरे पास वक्त मिला तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो फ्रेंड वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं वीडियो के यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि मैं कोई अच्छा सा टॉपिक डालूं तो आप लोगों को तुरंत मिले और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।